फाइनल डोरमेट रेडी है। ओल्ड क्लॉथ से मैंने बनाई, जो टी शर्ट की, लेगिंग्स की, नाइट ट्राउजर्स की थी। हाय, आज मैं बनाने जा रही हूँ ओल्ड क्लॉथ को यूज़ करके डोरमेट। देखिए, मेरे पास कुछ ऐसे ओल्ड क्लॉथ पड़ा है जो फटे हुए हैं और गंदा हो चुका है, जो यूज़ में नहीं है, जो मैं फेंकी भी नहीं। सोच रही थी कुछ बनाने के लिए, तो आज मैं ये सब यूज़ करके बनाने जा रही हूँ। ये नाइटी है और जैसे नाइट सूट का पैंट है, ये टूट फटा हुआ है। तो इस तरह से जो चीज़ है उसको हम बिना फेंके कुछ यूज़ कर सकते हैं जो अच्छा बन जाएगा। अभी डोरमेट बनाने जा रही हूँ। जनरली हम लोग खरीदते भी हैं डोरमेट्स, वो ज़रूरी होता है घर के लिए, और इससे इस कपड़े से अच्छा बन भी जाएगा। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं कि कैसे ये बनाते हैं। मैं अगर हो सकता है तो मैं दो टाइप की दिखाऊंगी। एक तो जो कि आपको स्टिच भी कर सकते हैं, और दूसरा बिना स्टिच वाले। तो पहले मैं बनाने जा रही हूँ बिना स्टिच वाले, चलिए देखते हैं। तो ये रहा, ये मैंने ऐसे रख के, यहाँ से फटा हुआ है तो फिर यहाँ से मैं कट कर दूँगी। ये कट कर दिया, अब इसको लेंथ में ये कट कर दूंगी यहाँ से। देखिए, ये मेरा कपड़ा आ गया। इसको मैं ये जो बना होता है इसको मैं कट करके निकाल देती हूँ। ये डबल वाला है, ये नहीं आएगा ठीक से। ये देखिए, मैंने इसे डाल रखा है, आप देख सकते हैं। तो मैं इतनी विड्थ लेके मैं कटाई कर दूँगी स्ट्रिप्स, ये सारे कपड़े का, कि जितना कपड़ा है ना, ये सारे कपड़े को स्ट्रिप में कट कर दूँगी। जैसे आप 2-3 cm रख के आप कटाई कर सकते हैं जितना है। मैं पूरा कटाई करती हूँ, फिर मिलते हैं। देखिए, ये वाला जैसे मैंने कटाई की, इसको मैं 2 ends में पकड़ के ऐसे खींच दूँगी, तो ये आपका जैसे थ्रेड जैसे बन गया। तो ये ऐसे करने के बाद आसानी हो जाता है आपको ये बनाने में। तो हाय वंस अगेन, चलिए देखते हैं। ये मैंने रेडी कर लिए, कल जैसे दिखाई थी कि इसको खींच के एक एक स्ट्रिप बना के इसको खींच के जैसे रोप जैसे बना दिया है। अब ये और कुछ लेगिंग्स का था और ये ओल्ड टी शर्ट का था, तो
तो मैंने ऐसे बना दिया है। अब इसके बाद देखते हैं कैसे करते हैं। तो मुझे चाहिए ये और सीजर और आपका पिन, सेप्टिक पिन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जैसा है इसको मैं फोल्ड करके और थोड़ा सा यहाँ से कट कर दूँगी, जिससे दूसरा इसमें टाई हो जाएगा, आपको स्टिच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो फिर स्टिच करना पड़ेगा। ये देख रहे हैं, ये होल बना दिया। तो इसको ये जो दूसरा है इसको भी ऐसे फोल्ड करके फिर यहाँ से छोटा सा कट लगानी है। आप चाहे तो स्टिच कर सकते हैं। ये रहा। अब इसके साथ मैं इसको डाल के इसके अंदर ये वाला जो एंड है ये हो गया मेरा टाई। ओके, फिर स्टिच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये हो गया आपका टाई। तो मैं इसको लेके ऐसे खींच दिया। पहला वाला जो है आपको टू फिंगर्स रख के ऐसे पहला एक नट बन गया। अब इसके अंदर आपको फिंगर लेके डालते हुए देखिए 1 2 मुझे जो विड्थ चाहिए होगा मैं वैसे बनाऊंगी। ये देख रहे हैं आप, इसमें क्या है कि आपको स्टिच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सुई धागे की ज़रूरत नहीं है, आराम से हाथ से बना सकते हैं। उसके बाद जब आपको आगे बुनाई करनी है तो उसमें सेप्टिक पिन यूज़ कर लेंगे हम लोग। आप देखते जाइए मैं कैसे कर रही हूँ, बहुत ईजी है। जितना विड्थ की ज़रूरत हो उतने की हम बनाएंगे, और जहाँ जॉइंट करने की ज़रूरत है हम वैसे ही होल्स बना के जॉइंट करेंगे, ना कि सुई धागे से। यह आपका स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी आपको चाहिए शेप आप वैसे बना सकते हैं। इसमें अगर टाइम परमिट करेगी मुझे तो मैं आपको राउंड वाला शेप का भी एक बना के दिखाना चाहूँगी। मेरे पास उतना है नहीं इस तरह के कपड़े का, अगर हो जाएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। देखिए ये जब बन गया मेरा इतना, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे दोबारा नट करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, फिर से ये फोल्ड किया, फर्स्ट फोल्ड किया, ठीक है, ये फर्स्ट फोल्ड किया, फिर इसको ऐसे फोल्ड किया और यहाँ से कट लगाऊंगी। ये बन गया होल जहाँ मैं जॉइंट करने वाली हूँ। सेम प्रोसीजर, सिमिलरली नीचे वाला जो है उसको लाके ये दोबारा बन गया मेरा नट। तो मैं इसको विड्थ पहले सेट कर देती हूँ, फिर हम लोग मिलते हैं। तो ये मेरा विड्थ बनेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो एंड है ना, ये एंड
मैं सेफ्टिक पिन से ऐसे टाई करती हूँ, ठीक है। ये आपको इजी रहेगा, आप जहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है देख रहे, ये यहाँ से होल बन रहा है ना, यहाँ से इसके बीच में से निकल के लेके आना है आपको। देखिए ये रहा, इसके बीच में से मैं लेके आई हूँ, ये आपका बना ऐसे ऊपर। अब दूसरा ये वाला है होल, ये वाला होल से आपको इंसर्ट करना है, ये वाला होल से इंसर्ट कराना है, फिर ये जो है बीच से ऐसे लेके आना है। अब देखिए ये बन गया। अब मैं ऐसे ही बनाते जाऊंगी लास्ट तक, फिर आपको मैं थर्ड लाइन में कैसा आएगा दिखाऊंगी। तो ये मेरा बन गया, देखिए इतना ये विड्थ और ये लंबाई में ये बना है अभी। तो इसमें मैं दूसरा कलर ये वाला देना चाहूँगी, तो सेम इसमें ये ऐड कर दिया। अब इंसर्ट करके बीच में से इसको ऐसे निकाल, ओके, दूसरे में डाल के ऐसे बनते जाएगा। तो चलिए बनाते ऐसे ऊपर सेट करते जाएंगे, ये बनते जाएगा। बना है, थोड़ा सा और बचा है, बस इसको कंप्लीट कर दूंगी फिर आपके साथ आऊंगी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? इसमें ना सुई धागा कुछ है,
स्टिचिंग नहीं है और ये सिर्फ कपड़े के साथ कपड़े को जॉइंटिंग है। ये सस्ता सुंदर एंड टिकाऊ। ये मेरा बन गया है। अब मैं इसमें बॉर्डर डालूंगी।